श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में ही डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम बीते हुए कल का पश्चाताप न करो और आने वाले कल की चिंता न करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो नए जीवन की शुरुआत है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। भगवान को अर्पित करने का तात्पर्य यह है, तुम अपने अपने अहम को त्याग दो और निष्काम कर्म करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए, उनकी पहचान उनकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से मनुष्य में भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य की तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वही अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उस समय वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। मतलब जो व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं उन्हें अपने कर्म से हटना या उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह इंसान कभी ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है ऐसे लोगों का कभी कुछ भी नहीं हो सकता। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता।
इसी वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले खुद का आंकलन करना चाहिए, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। उसमें ऐसा भी बताया जाता है कि व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वह वैसा ही बन जाता है। और जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम होगा, उसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य को जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराश हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करके अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति में मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, उस मनुष्य का मन उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब, जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। गीता में बताए गए इन उपदेशों को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन कर ले, तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम नर हो और मैं नारायण। इसलिए हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु के मोह में मत उलझो। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। धार्मिक दृष्टि से पुनर्जन्म की बातों को स्थापित करने वाली कुछ कथाएं भी पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। महाभारत में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन दुखी होकर विलाप करने लगे। अर्जुन की बुरी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु की मुलाकात हुई तो अर्जुन भावुक हो उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से जा लिपटे। अभिमन्यु ने अर्जुन की इस दशा को देखकर कहा कि आप एक जन्म में मेरे पिता बने हैं और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका पिता रह चुका हूं। लेकिन मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल नहीं हुआ था, इसलिए वापस पृथ्वी पर लौट जाओ। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें पुनर्जन्म का ज्ञान मिल गया। पुनर्जन्म की एक और कथा महाभारत में मिलती है, जो पितामह भीष्म से जुड़ी है। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भूमि पर लेटे हुए भीष्म जब कृष्ण से पूछते हैं कि आज जो वह बाणों की शैया पर लेटे हैं, वह किस कर्म का फल है? जहां तक मुझे अपने 7 जन्मों की बातों याद हैं, उनमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके लिए मुझे बाणों की शैया पर सोने का कष्ट भोगना पड़े।
भीष्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको अपने 8वें जन्म की बात याद नहीं है। उस जन्म में आपने एक सांप को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इससे सांप का पूरा शरीर कांटों से बिंध गया था। उसी पाप के कारण आपको आज बाणों की शैया मिली है, जिसके कारण आपको बाणों की शैया प्राप्त हुई है। व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्म, इच्छा, भोग और वासना पर निर्भर करता है। जीव की जैसे इच्छा, वासना और भोग की कामना रहती है, उसी अनुसार उसे नया शरीर, परिवेश और बाकी सारी चीजें भी मिलती हैं। पुराणों में कई कथाएं भी मिलती हैं जो यह बताती हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसे चाहत और भावना होती है, उसी अनुरूप उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भारत की है जो हिरण के बच्चे के मोह में ऐसे फंसे कि अंतिम समय में उसी के ख्यालों में खोए रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि पुण्यात्मा होते हुए भी वह अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और हिरण बने। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थाई है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आरक्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ का डर आपके वर्तमान को खराब कर सकता। इस व्यर्थ के डर से भविष्य तो बदलने वाला है नहीं। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करता है जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है और भविष्य में पछताना पड़ी डेचता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है, तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ डीएच देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में बताया है कि मनुष्य अपने कर्मों की वजह से ही सुख और दुख भोगता है। उसने जैसे कर्म किए हैं, उसे वैसा है फल भी भोगना पड़ेगा। कर्म के फल से वह भाग नहीं सकता, आखिर जो बोया है वही तो कटेगा। कोई भी इंसान बुरे कर्म करके मौज की जिंदगी काट रहा है, तो समझ लेना मौज कुछ ही वक्त की है। जब कर्मों का हिसाब होगा तो उसके सारे सुख दुख में बदल जाएंगे। इंसान की पहचान उसके कर्म से होती ना की जाती, धर्म या शरीर से। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, उनके लिए उनका मन शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है, तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। श्री कृष्ण गीता में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान से, अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं, वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वहीं इंसान जैसा विश्वास करता है, वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की कामना किए बिना निष्काम कर्म करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है।
इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने निष्काम कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म पर हमारा अधिकार होता है, कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं होता। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा कर्म करने में लगा दो, परिणाम की चिंता मत करो। और अगर कर्म निष्काम है तो परिणाम की चिंता होगी ही नहीं। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़दार है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना परिणाम की चिंता करे कोई काम करता है, तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है, उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है, उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बीढ़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं, वे निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन और प्रयत्न करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में तनाव हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरी की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है।
जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा भी गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है, इसीलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है, और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्री मद भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता सनातन धर्म की सबसे पवित्र और मुख्य किताब मानी जाती है। यह पवित्र किताब गीता है, जिसके सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। गीता का सार महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया था। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार समय को चार युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें अभी हम जी रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हर युग में जब पापी, राक्षसों और राक्षसी बुद्धि वाले लोग बढ़ जाएंगे और चारों ओर अशांति, दुख और धर्म का नाश होने लगेगा, तब बुराई का अंत करने स्वयं भगवान का जन्म होगा, जो बिल्कुल आप मनुष्य की तरह पैदा होंगे और बुराई का अंत करके धर्म की स्थापना करेंगे। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ और उस समय ईश्वर ने अपना जन्म देवकी नंदन कृष्ण के रूप में लिया। उन्होंने जन्म लेके कई राक्षसों का अंत किया और अंत में धर्म के सबसे युद्ध के निर्णायक बने, जो पांडवों और कौरवों के बीच हुआ, जिसमें पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए पापी कौरवों से युद्ध किया। इस युद्ध की खास बात यह थी कि यह युद्ध एक ही परिवार में हुआ और श्री कृष्ण जो पांडवों और कौरवों के रिश्तेदार ही थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। श्री कृष्ण जब युद्ध के पहले दिन अपना रथ लेकर कुरुक्षेत्र में आए तो अर्जुन का सामर्थ्य खत्म हो गया, क्योंकि जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसके भाई, गुरु और उसके अपने लोग हैं और अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव गिर गया, अर्जुन पूरी तरह से हार गए थे। वह युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और गीता उपदेश दिया। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम किससे डर रहे हो? संसार में मौजूद हर जगह में मेरा ही रूप विद्यमान है। उन्होंने कहा, अर्जुन सत्य मोह माया के परे है। तुम्हारा जन्म धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है और तुम अपना कर्म करो। हालांकि कहा जाता है, जिस समय युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अपना रुद्र रूप दिखाया, उस समय इतनी रोशनी हुई कि अर्जुन के अलावा उनका यह रूप कोई ना देख पाया। पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन कई बार अपना आपा खो देते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा दिया। बिना श्री कृष्ण के धर्म की स्थापना संभव नहीं थी। जब अर्जुन को इस बात ज्ञान हुआ कि श्री कृष्ण ने कई जन्म लिए हैं, तो उनके मन में फिर सवाल आया और उन्होंने पूछा, प्रभु, आप जन्म क्यों लेते हैं? आप तो संसार में मौजूद हर वस्तु में हैं। इस पर श्री कृष्ण बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी धर्म कमजोर होता है और समाज में, संसार में धर्म की हानि होती है, तब मेरा निर्माण अपने आप होने लगता है और मेरा जन्म हो जाता है। अर्जुन पूछना चाहते थे कि क्यों,
तब श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब भी पृथ्वी पर पाप का स्तर बढ़ जाएगा तब मैं जन्म लूंगा, और मेरा जन्म साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए हुआ है। जब तक कि मैं पृथ्वी पर पाप और पुण्य के स्तर को बराबर करके धर्म की स्थापना नहीं करता, तब तक मेरा अवतार पृथ्वी पर रहता है। उन्होंने कहा, यह युद्ध धर्म के लिए है। अर्जुन, तुम इसके माध्यम हो, तुम योद्धा हो, और तुम्हें अपने कर्म का पालन करना होगा। वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। जब अर्जुन अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं तब वह सांसारिक कष्टों को महसूस कर रहे थे, वह मोह में फंस गए थे। उन्हें लगा कि वह अपने ही भाइयों को गुरुओं से कैसे युद्ध कर सकता है। अर्जुन की इस दुविधा को कृष्ण समझ चुके थे और उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि पार्थ, मेरा और तुम्हारा बल्कि दुनिया के हर प्राणी का जन्म अपने कर्म को करने के लिए हुआ है। संसार का हर जीव कर्म को करके ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से बचता है या दूर भागता है वह हमेशा नर्क का भोग करता है। कर्महीन व्यक्ति संसार पर अतिरिक्त बोझ के सिवाय कुछ नहीं। इसलिए हे पार्थ, तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा धर्म बताता है कि तुम्हें हर उस व्यक्ति से लड़ना होगा जो बुराई है का संरक्षक है। अर्जुन कौरवों की इतनी विशाल सेना देखकर संकोची थे और कृष्ण ने इस बात को भांप लिया और बोले, हे अर्जुन, अपने कर्म को का निर्वहन करने पर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि तुम यह युद्ध हार भी गए तो तुम वीरगति को प्राप्त होगे और स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, और यदि जीत गए तो भी दुनिया में तुम्हारी जय जय करेगी। गीता में चिंता की तुलना चिता से की गई है। कहा गया है, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। व्यक्ति को चिंता मुक्त होकर अपने कर्म करना चाहिए। धर्म को ध्यान में रखकर चलने वाला कर्मशील व्यक्ति स्वर्ग का भागीदारी होता है। तुम्हें किसकी चिंता है? तुमने क्या पैदा किया जो तुम्हें लगता है कि नष्ट हो गया? तुम इस दुनिया में कुछ नहीं लाए। जो कुछ तुम्हारे पास है तुम्हें यहीं से मिला है। जो कुछ तुमने दिया है वही तुम्हें दिया है। तुमने जो कुछ भी लिया तुमने भगवान से लिया। तुमने जो कुछ दिया तुमने उसे दिया। तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। जो गुजर गया उसकी चिंता व्यर्थ है, जो आने वाला है उसकी चिंता भी व्यर्थ है। जो चल रहा है उसमें रहो। प्रभु कहते हैं कि तू व्यर्थ सोचता है जो आज तेरा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तू क्यों इस जंजाल में फंसा है? तू माया और मोह में अपने दुखों को क्यों ज्यादा कर रहा है? अपना कर्म कर, मेरी तरफ आ, तुझे मोक्ष मिलेगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि यदि मनुष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर ले तो वह सब कुछ जीत सकता है। वे कहते हैं, क्रोध आपको मति को हर लेता है, और जो व्यक्ति धैर्यवान है वही उत्तम पुरुष है और प्रभु की कृपा उन पर होती है। क्रोध करने वाला इंसान मति भ्रम का शिकार हो जाता है, उसकी स्मृति चली जाती है और वह विनाश की तरफ चला जाता है। पूरी गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं पर आधारित है और वहां जोर दिया गया है कि मनुष्य को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। गीता आपको शांति देने के कुछ ऐसे मार्ग बताती है जिससे आप चिंता मुक्त हो जाते हैं और आपको आपके जीवन के मूल्य लक्ष्य नजर आने लगते हैं। जागृत मुनि ने हर उस व्यक्ति को महान कहा है जो फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्म करता है और पूरा ध्यान अपने कर्म की तरफ एकाग्र कर लेता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ सफलता प्राप्त करते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गीता क्या कहती है? गीता के अनुसार यदि इंसान के लिए सुख दुख सभी प्रकार के अनुभव उसकी भावनाओं पर आधारित होते हैं, जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वह लाख दुखों में भी संसार का सबसे संपूर्ण और सुखी व्यक्ति बन जाता है, और जो व्यक्ति अपना धैर्य खोकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता वह दुनिया के सभी सुख प्राप्त करके भी दुखी और हीन भाव का शिकार होता है। गीता के अनुसार अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सात्विक भोजन अपनाएं, हरी सब्जियां, दूध, फल इत्यादि, मदिरापान, अन्य व्यसनों का त्याग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, ध्यान और योग करें, तामसी, मांस, मछली आदि, और राजस भोजन का त्याग करें, अधिक तेल वाले भोजन, जंक फूड, अधिक बसा, फैट वाले भोजन इत्यादि।
रात्रि में जागने से बचें, दिन के उजाले में आएं। गीता के अनुसार आत्मा क्या है? नैनन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक। न चैनन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, अर्थात आत्मा को ना तो किसी हथियार से नष्ट किया जा सकता है, ना ही किसी शस्त्र से काटा जा सकता है। आत्मा को अग्नि से जलाया भी नहीं जा सकता, ना ही इसे पानी में डुबोया जा सकता है। यानी कि आत्मा को आग में जलाकर और पानी में डुबोकर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा को हवा भी सूखा सकती है ना उड़ा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि पार्थ, यह मांस का शरीर है जो धरती के पंच तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए यह नश्वर का है। यानी कि शरीर नाशवान है और यह जिन तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, उन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा अजर है, वह कभी नहीं मरती, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आत्मा ना वृद्ध होती है, ना ही वह छोटी है, उसका आकार नहीं निराकार है। और आत्मा मैं हूं और मैं ही हर जगह हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकता है। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और काम को करें। अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है, और लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान की शक्तियों का रूप है। अर्थात संसार में जितने देवता है, वह सारे ही देवता एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है। जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं, तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत है, जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य बात तो यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवद गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य अपने सभी कामों में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, ऐसे लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर ही पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं, तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। चाहे किसी भी प्रकार की कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है कि जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता और ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको यह बात भी बता दे कि मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति की ओर ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वही गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो, तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे,
क्योंकि एक स्वार्थी इंसान दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसीलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। भगवद गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर शक की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज किए बिना हमेशा संदेह करने की आदत मनुष्य के दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है, और शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना या पूजा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही तो इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे ही क्षण तुम भिखारी बन जाते हो। अपना पराया, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो, यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है और न ही तुम इस शरीर इन सब के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह चीजों से मिलकर ही शरीर बना है। आत्मा स्थिर है और तुम क्या हो? तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है जो उनके सहारे को जाता है। वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के यह उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारा जीवन सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।